नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कोरोना वायरस के संक्रमण की समय दर समय तस्वीर बदल रही है। शुरुआती दौर में जहां देश भर में संक्रमण फैलने के पीछे तबलीगी जमात की मरकज को लेकर हो हल्ला मचा था, वहीं अब प्रवासियों का पलायन संक्रमण फैलने के बड़े कारण से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन दोनों में ही दोष सिर्फ व्यवस्था का है जो इन हालातों का कारण बनी है। इन दोनों ही मामलों में अच्छी बात यह रही कि हो हल्ला मचने के बाद जिम्मेदारों का ध्यान इनकी ओर गया, अन्यथा स्थितियां और भी विस्फोटक हो सकती थी। कोरोना महामारी पिछले 3 महीनों वो रंग और ढंग दिखाए हैं जिनके बारे में किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। इस संक्रमण काल में जिंदगी के पहिए मानो थम से गए। तमाम बातें ऐसी रही जो इतिहास बन गई। बात जहां तक संक्रमण फैलने की है, इसे लेकर भी अलग अलग रंग और ढंग देखने को मिले। आरोपों और आक्षेपों की बात करें तो शुरुआत में संक्रमण फैलने की प्रमुख जमाती बताए जा रहे थे। हालांकि अब दृश्य परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों के ग्राफ की वजह प्रवासी बताए जा रहे हैं। असलियत क्या है, यह तो गहन अध्ययन और शोध का विषय है। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस पूरे परिदृश्य के पीछे वह व्यवस्था दोषी है जिसके चलते ये हालात बने। जमात पे भीड़ जुटने के मामले को अब तक जो भी आरोप व प्रत्यारोप लगे उनसे सभी परिचित हो चुके हैं। संक्रमण काल में किसी वार्षिक कार्यक्रम में इस कदर भीड़ जुट जाती है तो यह दोष सीधे तौर पर व्यवस्था के ऊपर बनता है। वहीं वर्तमान हालातों पर दृष्टिपात किया जाए तो प्रवासी मजदूरों के कोरोना संक्रमित निकलने के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। यहां भी वही सवाल उठता है कि आखिर लोग क्यों असुरक्षित साधनों के जरिए पलायन को विवश हुए। जब पूरे देश में लॉकडाउन था, ये मजदूर जहां से चले वहां की व्यवस्था के कर्णधार आखिर क्या कर रहे थे। दूसरा यह कि जब सुरक्षित साधनों से तमाम लोगों को लाया गया तो जांच आदि में ढिलाई क्यों बरती गई। ऐसे तमाम सवाल हैं जो पूरे सिस्टम को इन हालातों का जिम्मेदार ठहराने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह दौर इस बहस में समय गंवाने का नहीं है कि आखिर दोष किसका है या फिर गलती किससे हुई, बल्कि समय की मांग यह है कि इस महा आपदा का डट कर मुकाबला करने के सभी अपने राजनीतिक, जाति व अन्य अन्य मतभेद भूलकर एकजुट हों। बिना इसके न तो कोरोना की महामारी से जीत संभव है और न ही देश की प्रगति। इस बीच एक बड़ी बात रही कि जमाती या प्रवासी, इन दोनों को लेकर जितना हो हल्ला मचा उसके फायदे भी परोक्ष रूप से देखने को मिले, जिसकी वजह यह है कि जमाती हो या प्रवासी, इन दोनों में किसी को खुद से जाकर अपनी जांच तो करानी न थी। बवाल मचा तो कम से कम इनकी जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर कहीं यह ना होता तो हालात क्या होते, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।